हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं जीके में अपना टॉपिक भारतीय संविधान। जैसे कि हमें पता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय संविधान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। एंड इसके अंदर से जो मेन जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखो फटाफट से हम रीडिंग लगाते हैं जिससे कि आपकी तैयारी है वो जल्दी से हो, आसानी से हो और सिर्फ जो मेन फैक्ट है वो आप याद करें। तो देखो भारतीय संविधान, जिसको एक्चुअल जो अगर नाम हम बोले तो इसका होता है भारत का संविधान, आर्टिकल 393 के अंदर इसका हमें उल्लेख मिलता है, आर्टिकल 393 भारत का संविधान। तो देखो भारत के संविधान के लिए सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग है वो कब हुई और किसके द्वारा की गई, क्योंकि जिस भी देश का संविधान निर्माण किया जाता है तो उससे पहले उसकी मांग उठती है। और हम लोगों के ऊपर पता है ब्रिटिश रूल हम पे चलता था, तो उस टाइम जब आज़ादी की बात करनी थी तो बहुत टाइम पहले ही भारतीय संविधान के निर्माण की मांग है वो स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले भारतीय संविधान या सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग, निर्माण की बात कर रहे हैं हम, संविधान निर्माण की मांग 1895 में तिलक के द्वारा, 1895 में तिलक के द्वारा, इसके जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा संविधान निर्माण की मांग है वो की गई। और किसके थ्रू उन्होंने करी, स्वराज विधेयक 1895 में जो स्वराज विधेयक आया था उस स्वराज विधेयक के अंदर संविधान निर्माण की मांग है वो की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 20वीं शताब्दी में, क्योंकि ये तो 19वीं शताब्दी की बात है, 20वीं शताब्दी में संविधान निर्माण हेतु प्रथम प्रयास किसने किया था, तो वो महात्मा गांधी ने किया था 1922 में। तो महात्मा गांधी के द्वारा 20वीं शताब्दी में अगर पूछा जाए तो महात्मा गांधी, 19वीं शताब्दी या सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग पूछी जाए तो तिलक के द्वारा 1895 में। भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, अगर लाइन आ जाए कि ऐसा किसने कहा, क्योंकि आजकल कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अगर ऐसे पूछ ले कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो, ये बात किसने बोली, तो ये जो है महात्मा गांधी जी, उन्होंने बोला था। इसके बाद में देखो संविधान सभा की मांग है वो 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी की गई थी। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो वो है 1895 में तिलक के द्वारा, लेकिन अगर पूछा जाए कि किसने ऐसी मांग उठाई थी 1924 में जो अस्वीकार हो गई, या भारतीय संविधान की कौन सी मांग है किसने उठाई थी, कौन से सन में उठाई थी जिसको अस्वीकार किया गया था, तो 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने भी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, यही मोतीलाल नेहरू, उनकी मांग है वो अस्वीकार कर दी गई थी 1924 में। अब अगर बोले भारतीय संविधान का प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक है M.N. Roy। तो M.N. Roy है वो भारतीय संविधान का, संविधान सभा का प्रतिपादक है, भारतीय संविधान नहीं, संविधान सभा का प्रतिपादक। और ये देखो संविधान सभा की मांग है तो वो तो था संविधान निर्माण की बात थी, तो संविधान निर्माण की मांग है वो तो करी थी तिलक ने 1895 में, और संविधान सभा की मांग, संविधान सभा और संविधान निर्माण अलग चीज़ होती है, संविधान सभा की मांग करी थी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने जो अस्वीकार कर दी गई। और संविधान सभा का प्रतिपादक कौन है, M.N. Roy। संविधान सभा और संविधान निर्माण में अपने को कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में अगर हम देखें नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट है वो कब आई थी, 1928 में, जिसको भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट भी बोला जाता है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है, तो नेहरू रिपोर्ट को। भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कब प्रकाश में आया, तो 1928 के अंदर। संविधान सभा का निर्माण है वो कौन सी योजना के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत है वो भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब देखो ये तो हमारी बात हो गई कि मांग कब हुई, संविधान सभा की कब हुई, संविधान निर्माण की मांग कब हुई, किसने उठाई। जब संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तो उसमें कितने सदस्य हैं उनको स्वीकृत किया गया था, तो 389 सदस्य संविधान सभा में थे। अब ये 389 सदस्य है वो किस प्रकार से थे, तो देखो 389 में से 292 तो थे ब्रिटिश प्रांतों से, 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, जिनका अप्रत्यक्ष चुनाव होना था। कैसे होना था, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनका चुनाव किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से। 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, 93 है वो देसी रियासतों से, वो मनोनीत थे। तो देखो इनमें से 296 जो पार्टी के आधार पर विभाजन, 296 कौन से, 292 जो कि ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, तो
तो वो टोटल हो गए 296 जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव जिनका हुआ था। तो पार्टी के आधार पर इनका विभाजन कैसे हुआ इन सीटों का, तो वो देखना है हमें। देखो पार्टी के आधार पर विभाजन भी हुआ था और वर्ग के आधार पर भी हुआ था। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है क्योंकि नॉर्मल ये जो सदस्य वगैरह है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गए हैं, आजकल क्वेश्चन डीपली आते हैं, तो वो हमें देखना है। देखो 296 पार्टी के आधार पर विभाजन हुआ, तो देखो कांग्रेस पार्टी से थे 208 सदस्य, मुस्लिम लीग जो कि पार्टी थी उसमें से थे 73 सदस्य और 15 है वो अन्य पार्टी से थे। अभी अगर 296 को वर्ग के आधार पर अगर इनका विभाजन किया जाए तो 213 थे सामान्य वर्ग, जनरल सीट हम बोले 213, और मुस्लिम वर्ग का अगर हम बोले तो 79, और अगर सिख वर्ग का हम बोले तो 4 सदस्य सिख में से थे। तो प्रश्न आ सकता है कि जो सदस्य जो प्रस्तावित थे 296 संविधान सभा के अंदर, तो उन 296 में से सिख के लिए कितने जो सीट है वो रिजर्व थी, तो 4, मुस्लिम वर्ग के लिए 79, सामान्य वर्ग के लिए 213। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन जो डीपली आ सकता है पूछा जा सकता है, हर क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में डाला है। देखो संविधान सभा की बैठक की हम बात करें, क्योंकि संविधान सभा के अब सदस्य डिसाइड हो गए हैं, तो अब उसकी जो बैठक हुई थी, तो फर्स्ट बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, जब सोमवार, उस दिन वार भी पूछा जा सकता है, सोमवार था, आप नोट कर लीजिए। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को सोमवार। अब इस बैठक के अंदर क्योंकि सदस्य तो प्रस्तावित हो गए थे, लेकिन इन सदस्य में से कितने सदस्य है वो उपस्थित रहे थे, तो सदस्य 389 जैसे पूरे जो अपन ने किए थे 389 सदस्य है वो प्रस्तावित थे इनकी सीट, तो इनमें से 207 सदस्य ही वहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो बहिष्कार किसने किया था वो भी हमें पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम पार्टी जो थी, मुस्लिम लीग जो कि 73 सदस्य थे, वो और देसी रियासतों ने भी इसका बहिष्कार है वो किया था। तो ये भी हमें है वो पता होना चाहिए कि किस किसने बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ने और देसी रियासतों ने प्रथम बैठक, संविधानसभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, और 207 सदस्य है वो इसमें उपस्थित हुए थे। अब देखो देसी रियासतों के जो सदस्य पहली बार उपस्थित हुए थे, क्योंकि देसी रियासत की जो सीट है वो भी हमें पता है, मैंने आपको बताई थी, तो उसमें से जो कितने सदस्य हैं वो जो पहली बार उपस्थित हुए थे तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे देसी रियासतों में से 93 सदस्य मैंने बताए थे, तो पहली बार वो कब आए थे संविधान सभा में, कब उन्होंने अटेंड की थी अपनी बैठक, तो फर्स्ट बैठक में तो वो आए नहीं थे, उसका बहिष्कार किया, उसके बाद में वो आए थे पहली बार 28 अप्रैल 1947 के अंदर। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि देसी रियासतों के सदस्य पहली बार कब उपस्थित हुए थे इस विधानसभा के अंदर, देसी रियासतों के सदस्य, तो 28 अप्रैल 1947। ध्यान रखने वाली चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे ही डीपली अंदर से आते हैं, ऊपर के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो देसी रियासतों के देखो पहली बार उपस्थित हुए थे 28 अप्रैल 1947, लेकिन कौन सी ऐसी देसी रियासत है जिसने कभी भी मतलब संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुई थी, जहाँ से कोई सदस्य नहीं हुआ था, तो हैदराबाद जो रियासत, जो कि सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत कौन सी, हैदराबाद रियासत, और उसमें से कोई सदस्य पूरी संविधान सभा में ही उपस्थित नहीं हुआ था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो पहली बैठक हुई थी जब 9 दिसंबर 1946 के अंदर, तो इसके अंदर एक अस्थायी अध्यक्ष है उनका चुनाव किया गया था, उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वृद्ध व्यक्ति थे उस विधानसभा के अंदर, तो उनको एक बार अस्थायी अध्यक्ष वो बनाया गया था विधानसभा का। तो फर्स्ट बैठक के बाद में देखो सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, दो दिन बाद में ही, तो उस दिन सोमवार था, तो यहाँ पे अब बुधवार हो जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है वार का भी साथ में। तो दूसरी बैठक अब वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस समय सेकेंड बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनकी जगह स्थायी अध्यक्ष का चुनाव है वो कर लिया गया था, तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लास्ट तक जब तक संविधान सभा में जब तक संविधान का निर्माण किया गया था उस टाइम तक स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे, उसके बाद में उनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। अब देखो संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के अंदर, तो संवैधानिक सलाहकार बोले तो BN राव, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कौन थे, तो BN राव का ध्यान रखना है, जो कि संवैधानिक सलाहकार तो थे लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के प्रारूप निर्माता कौन थे, तो प्रारूप निर्माता BN राव थे। संविधान निर्माता कौन थे, देखो प्रारूप निर्माता थे BN राव, लेकिन संविधान के निर्माता अगर पूछे तो भीमराव अम्बेडकर, ध्यान रखना है संविधान सभा का प्रारूप निर्माता पूछा जाए, प्रारूप निर्माता,
तो बीएन राव और संविधान निर्माता तो भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में देखो तीसरी बैठक हुई थी, सेकंड बैठक में जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। थर्ड बैठक हुई वो थी 13 दिसंबर 1946 को। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोले तो उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है थर्ड बैठक के अंदर। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, तो बहुत बार नॉर्मली ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अब देखो इसके आधार पर प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि प्रस्तावना का निर्माण कौन से प्रस्ताव से हुआ था, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव इसी के आधार पर, इसका नाम उद्देश्य का भी रखा गया है, प्रस्तावना का नाम आपको ध्यान होना चाहिए कि उद्देश्य का भी इसको बोला जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव पर कितने दिन चर्चा हुई, तो 8 दिन इसके ऊपर चर्चा हुई थी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव है वो पारित कब हुआ। देखो 8 दिन चर्चा हुई, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, 8 दिन इस पर चर्चा हुई थी, मतलब 21 तारीख तक जो हम बोल, अगर 13 के अंदर हम 8 दिन जोड़े तो 21 दिन होते हैं, तो 21 दिसंबर को ये प्रस्ताव 8 दिन चर्चा के बाद में पारित हो जाना चाहिए था, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव है वो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ये ध्यान में रखनी है डेट, 8 दिन कहीं हम जोड़े हम 21 दिसंबर कर दें तो 21 दिसंबर नहीं है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। 8 दिन इस पर चर्चा हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और इसके आधार पर ही प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं इसको। अब देखो चार कमिश्नर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हमने देख लिए कि चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, लेकिन वो क्षेत्र कौन कौन से थे। जैसे कि अब हम बोलते हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश हम जिनको बोलते हैं उनको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी बोला जाता था उस टाइम, जब पहले के टाइम जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस टाइम इसको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलते थे। तो चार क्षेत्र थे, एक तो दिल्ली तो हमें पता ही है, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में आता था, तो दिल्ली अजमेर मेरवाड़ा कुर्ग और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है अभी, तो देखो दिल्ली अजमेर मेरवाड़ा कुर्ग और बलूचिस्तान, तो ये जो स्थान है वो कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। देखो इसमें कुल समिति है वो 22 समिति बनी थी, संविधान सभा का निर्माण हो रहे थे तब समितियाँ बनाई गई थी, अलग अलग काम सौंपे गए थे, तो कुल समिति 22 बनी थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट समिति है वो प्रारूप समिति को माना जाता है। प्रारूप समिति है उसका निर्माण कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था। कब, 29 अगस्त 1947। कुल सदस्य कितने हैं, कितने थे उसमें प्रारूप समिति में, तो 7 सदस्य प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे कुल। निर्माण हुआ 29 अगस्त 1947, तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो आप याद कर सकते हो 15 अगस्त के बाद में उसी टाइम अगस्त 1947 में 29 अगस्त, कुल सदस्य 7। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बहुत बार एग्जाम में आ गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब अगर इनमें से जैसे भीमराव अम्बेडकर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन और सदस्य के बारे में कुछ डीपली पूछे जा सकते हैं, तो केवल कांग्रेस का सदस्य कौन था, ऐसा आ सकता है कि प्रारूप समिति में केवल कांग्रेस पार्टी का सदस्य कौन था, तो KM मुंशी जो है वो केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। तो ये जो 7 सदस्य कौन है, इनके नाम और इनके जो ट्रिक्स है वो भी ट्रिक भी बना करके लाई हूँ, ट्रिक वाइज आप इसको याद करोगे तो अच्छे से सारे सदस्य है वो आपको याद हो जाएंगे। तो देखो सदस्य हम पढ़ते हैं, एक नंबर पे भीमराव अम्बेडकर, BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान, NG अयंगर। तो मैंने ट्रिक वाइज ही इनके नाम है वो लिखे हैं। तो देखो ट्रिक क्या है, भीम के मित्र मुंशी स्वामी के साथ सादुल के खेत में आए। कौन, भीम के मित्र मुंशी स्वामी के साथ सादुल के खेत में आए, बहुत ईजी है। कौन आए, भीम के मित्र आए किसके साथ, मुंशी स्वामी के साथ, किसके खेत में, सादुल के खेत में आए। तो भीम से भीमराव अंबेडकर, मित्र यानी BL मित्रा, मुंशी यानी KM मुंशी, स्वामी कृष्णा स्वामी अयंगर, के साथ सादुल, सादुल यानी सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, खेतान आए यानी अयंगर। तो इस प्रकार से ये जो 7 नाम है वो हमें याद होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम बोले तो मृत्यु देखो किसकी हो गई थी प्रारूप समिति के अंदर, अगर एक सदस्य जिसकी मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो DP खेतान है, इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनके स्थान पे किसने स्थान ग्रहण किया था, TT कृष्णमाचारी, इन्होंने इनका स्थान ग्रहण किया था। त्याग पत्र किसने दिया, मृत्यु के बारे में भी आ सकता है, त्याग पत्र के बारे में भी आ सकता है, और केवल कांग्रेस सदस्य, कांग्रेस पार्टी के सदस्य है KM मुंशी, वो भी आ सकता है। मृत्यु हुई DP खेतान की, इनका स्थान लिया TT कृष्णमाचारी। तो ठीक है, DT याद कर सकते हो, DT की मृत्यु हुई, T आ गया DT। त्याग पत्र BL मित्रा ने त्याग पत्र दिया था, और इनके स्थान पे कौन आया, N माधवराज,
एन माधवराज, तो बी एन कर सकते हो, मैं कर सकते हो, आपको जो इजी लगे, जैसे या फिर एन एल एल एन एल की जगह एन आ गया, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो देखो प्रारूप समिति का निर्माण भी यहाँ हो गया, सदस्य भी आ गया। प्रारूप समिति पे देखो बहस, प्रारूप समिति के अंदर जो बहस हुई थी तो वो 114 दिन प्रारूप समिति पे बहस हुई थी। इसके कुल अधिवेशन हुए थे 12। क्वेश्चन देखो, कुल अधिवेशन हुए 12, लेकिन संविधान का निर्माण कितने अधिवेशन में हुआ, तो 11 अधिवेशन में संविधान का निर्माण हुआ था। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि कुल अधिवेशन कितने प्रारूप समिति के, तो 12। संविधान का निर्माण कितने अधिवेशन में हुआ, 11 अधिवेशन में। जो 12वां अधिवेशन था उसमें उसको जो अंगीकृत अधिनियमित आत्मवृत्त किया गया था। तो देखो इसका वाचन कितनी बार हुआ, 3 बार इसके वाचन हुए थे। संविधान तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949, सबको पता है। तो इस दिन संविधान तैयार हो गया था और कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। तो कुछ अनुच्छेद कितने थे, जो 16 अनुच्छेद थे, 16 अनुच्छेद उनको लागू किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 26 जो नवंबर है 1949, उस दिन क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था। संविधान निर्माण का कुल समय पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान लागू कब हुआ, सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, 26 जनवरी 1950। अब देखो 26 नवंबर उसको विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, किस रूप में, विधि दिवस। लेकिन वर्तमान में क्या है, अब इसको 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 26 नवंबर, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान निर्माण हो गया था, संविधान बनकर के तैयार हो गया था, तो इसे वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और घोषित किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसको घोषित किया था, इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में। तो इस प्रकार से संविधान के बारे में, जो भारत का संविधान है 393 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, भारत के संविधान की हम बात कर रहे हैं, तो भारत के संविधान में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी डीपली क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इस वीडियो में आपके लिए तैयार किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, आपने क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़े हैं, ध्यान से पढ़े हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को भी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।